राष्ट्रीय फूली ब्रिगेड संयुक्त माली समाज के तत्वाधान में राष्ट्रीय फूली ब्रिगेड प्रदेश सलाहकार संतोष पुष्पत के नेतृत्व में संयुक्त माली समाज व फूली ब्रिगेड के लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ज्ञापन में मांग की गई है कि माली समाज के सुरेश मालाकार पिता तोलाराम खिलजीपुर जिला राजगढ़ ने खिलजीपुर थाने में जाकर 17 अगस्त को समय शाम 5 बजे हरिओम गुरगेल पिता कृष्ण मुरारी हितेश कृष्ण मुरारी ने उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है, जिसका आवेदन खिलजीपुर थाने दिया था। पुलिस ने आवेदन लेकर थाने से चलता कर दिया और प्रधान आरक्षक ने रसीद मांगी तो उन्हें कहने लगे अभी थाना प्रभारी नहीं है, रसीद बाद में मिलेगी। रिपोर्ट करने के करीब 3 घंटे बाद हरिओम कृष्ण मुरारी रितेश तीनों मोहल्ले में आकर हाथ में लकड़ी लेकर कहने लगे हमारी रिपोर्ट तुमने ही की है तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम गुंडे हैं हमारा क्या बिगाड़ लोगे, और गंदी गंदी गाली देकर महिलाओं के साथ छुमा छुटकी की गई है और आरोपी और फरियादी के घर पास पास में है और मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था तो आरोपी हरिओम की पत्नी व मम्मी और घर में से स्टील का रॉड लेकर आए और हड़बड़ाहट में काउंटर पर रखी एलईडी गिराकर वह भी मारपीट करने लगी। आरोपी हरिओम आपराधिक प्रवृत्ति का है, कई मामले पुलिस में दर्ज हैं। हरिओम ने झगड़ा किया है और कानून का ज्ञान होने के कारण अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी औरत से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जबकि विवाद होने के 3 घंटे पहले सुरेश मालाकार ने थाने में आवेदन दिया था और विवाद होने के बाद भी सुरेश की पत्नी रतनबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उक्त मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई नहीं की गई है, सुरेश मालाकार व पत्नी की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग को लेकर फूले ब्रिगेड के प्रदेश सलाहकार संतोष पुष्पत, प्रदेश कोषाध्यक्ष महेश पुष्पत, जिला अध्यक्ष विनोद पुष्पत, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र पुष्पत, महिला विंग के जिला अध्यक्ष सुनीता पुष्पत, प्रेम मालाकार, पत्रकार सुनील पुष्पत, दयाराम मालाकार, मनोहर मालाकार, मांगीलाल सेक्रेटरी साहब, दुर्गेश मालाकार, राधेश्याम पुष्पत, रामकरण मालाकार सहित भारी संख्या में फूली ब्रिगेड के कार्यकर्ता और फूल माली समाज के लोग मौजूद थे। आज हमारे राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड संयुक्त फूल माली समाज के नेतृत्व में माननीय जिले के SP महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है हमारे समाज के लोगों के द्वारा खिलचीपुर थाने में विवाद होने के पूर्व 3 घंटे पूर्व रिपोर्ट की गई थी, पर आवेदन लेके वहाँ पर चलता कर दिया गया और उसके बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने वहीं मोहल्ले में आम पास पास घर है वो आए और गाली गुप्ता करने लगे, विवाद हुआ तो उसकी झूठी रोपट उसकी औरत से करवा दी गई, जिस पर हमारे 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 354 का मामला कायम किया, पर हमारे समाज के लोगों के द्वारा जो पूर्व में थाने पर रिपोर्ट की गई थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में जो महिला के द्वारा झूमा झटकी और अभद्रता की रिपोर्ट की गई उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज हम माननीय SP प्रदीप जी शर्मा को ज्ञापन सौंपा है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम खिलचीपुर में थाने के सामने धरना आंदोलन कर उग्र आंदोलन तक जाएंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। धन्यवाद।